ऐश्वर्या राय बच्चन जब से बच्चन परिवार में आई है तब से उनके घर के कुछ सदस्यों से बनती रही है। पहला नाम सास जया बच्चन तो दूसरा नाम ननद श्वेता बच्चन। श्वेता नंदा ने भाभी ऐश्वर्या को लेकर कई बार शिकायत भी की। उन्होंने बताया कि ऐश्वर्या को घमंड है। श्वेता नंदा और ऐश्वर्या के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। अमिताभ बच्चन की बेटी और बहू को साथ में बहुत कम देखा गया। यहाँ तक ऐश्वर्या ने श्वेता को सोशल मीडिया पर फॉलो भी नहीं किया। ऐश्वर्या ने अपने पति के अलावा किसी भी सदस्य को फॉलो नहीं किया है। श्वेता नंदा अपनी भाभी की एक बुरी आदत के बारे में सबको रिवील कर चुकी है। श्वेता नंदा ने बताया कि ऐश्वर्या कॉल और मैसेजेस का जवाब भी नहीं देती है, वो घमंड में चूर रहती हैं। इतना ही नहीं, श्वेता ने जब अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर फोटो पोस्ट की थी तो उसमें से ऐश्वर्या ने अपनी बेटी और अमिताभ की फोटो क्रॉप कर शेयर कर दी थी। इससे पता चलता है कि वो जया और श्वेता को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। बच्चन परिवार का एक और किस्सा सामने आ गया है। बच्चन परिवार की इकलौती बहू और विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में आई है। कभी सलमान संग अफेयर तो कभी बच्चन परिवार की बहू तो कभी घर के कलेश तो कभी मोटापे की वजह से। अब 50 साल के ऐश्वर्या का वजन तो अब बढ़ा है लेकिन उन्हें कई साल पहले ही बॉडी शेमिंग किया गया था। हाल ही में एक रैम वॉक पर ऐश्वर्या को बॉडी शेमिंग किया गया। इससे पहले ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी के वक्त भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। ऐश्वर्या कुछ भी किसी से भी चुपचाप सुन लेती थी या यूं कहे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन जब बात ऐश्वर्या की बेटी पर आई तो ऐश्वर्या बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऐश्वर्या बेटी आराध्या को जन्म देने के बाद काफी मोटी हो गई थी जिस वजह से लोगों ने गंदे गंदे कमेंट्स कर डाले। इस पर ऐश्वर्या ने कहा था जितना आप लोगों को ट्रोल करना है कर लीजिए क्योंकि बच्चे को जन्म देने के लिए अगर शरीर पर असर पड़ता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐश्वर्या ने कई बार इस बारे में जवाब दिया। ऐश्वर्या राय का कहना है कि उम्र के साथ बॉडी में चेंजेस तो आते ही हैं, ये लोगों को समझ क्यों नहीं आता है। परिवार में हो रहे कलेश की खबरों को अभिषेक बच्चन ने दी हवा। ऐश्वर्या राय के बिना स्क्रीनिंग में पहुंचे बॉलीवुड के मशहूर कलाकार विकी कौशल की फिल्म श्याम बहादुर शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। इस मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग बुधवार को रखी गई थी और इस स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के तमाम स्टार्स पहुंचे थे जिसमें अभिषेक और भांजा अगस्त भी पहुंचा था। मामा भांजे को एक साथ देख अमिताभ बच्चन खुद को रोक नहीं पाए और लिख दिया स्पेशल ट्वीट। अमिताभ ने ट्वीट कर लिखा, रक्त बहता है दोनों में बच्चन है, आशीर्वाद सदा उनका तुम दोनों पर। कुछ इस अंदाज से अमिताभ ने बेटे अभिषेक बच्चन और नाती अगस्त नंदा को आशीर्वाद दिया। जहां फैंस बिग बी के इस स्टाइल को काफी पसंद कर रहे थे दूसरी तरफ बिग बी बुरी तरह फंस चुके हैं और अभिषेक बच्चन भी। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या साथ में नहीं आई है, मतलब इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किसी ने लिखा, ऐश्वर्या की भी कभी तारीफ कर दें, क्या ऐश्वर्या आप घर में नहीं रहती हैं? मतलब कुछ तो खटपट हो रखी है जो पहली बार ऐश्वर्या इस खास दिन पर अपने पति के साथ नजर नहीं आई। नाना अमिताभ बच्चन और मामा अभिषेक बच्चन की तरह अब अगस्त नंदा भी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। बतौर स्टार किड्स अगस्त जल्द ही डायरेक्टर जोया अख्तर की मूवी द आर्चीज से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं।